दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। हमारे देश में निर्वाचन आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जिम्मेदार और संवैधानिक संस्था है। भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इसका गठन हुआ है। इसके 6 पैर हैं इस आर्टिकल के, और आप उन पैरों को अगर देखें, उन लाइनों को आप देखें, तो आप पाएंगे कि भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत का संविधान, जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, वो कभी इस तरह सवालों के घेरे में होगा, उस पर इतने गंभीर सवाल खड़े होंगे जैसे आज खड़े हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत सारी चीजें जो अपने देश में इतने सारे संविधान संशोधन हुए हैं, कई बार बिल्कुल गैर जरूरी हुए हैं, बेवजह किए गए हैं, लेकिन जो संस्था इतने वर्षों से झेल रही है जनता के सवालों को, विपक्ष के सवालों को, कभी सत्ताधारी दल के सवालों को, उस संस्था में संरचनात्मक बदलाव कैसे हों, क्या उसके चयन की प्रक्रिया में कोई फॉल्ट है, इस पर कभी गंभीरता से बात नहीं हुई। सिवाय इसके कि एक केवल पहले आयुक्त होते थे मुख्य, और बाद में उसकी संख्या और बढ़ा दी गई निर्वाचन आयुक्त, लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, उसमें कोई फेरबदल नहीं। करीमगंज की घटना पहली घटना नहीं है। असम के करीमगंज में जो बूथ से उठाकर प्रोटोकॉल के तहत, इलेक्शन प्रोटोकॉल के तहत ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, वो अचानक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी में जाने लगी, उनकी धर्मपत्नी के नाम की गाड़ी, संभवतः उनके भाई भी थे, गाड़ी का ड्राइवर उनका था। अब बताइए कि इलेक्शन में जो पोलिंग पार्टी है, वो प्रत्याशी के घर की गाड़ी में ईवीएम ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था, और इलेक्शन कमीशन भी मान ले रहा है कि वो स्टुपिडिटी उनकी थी, फुलिशनेस थी, लापरवाही थी। वो ये मान ही नहीं रहा है कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसके उम्मीदवार की पोलिंग पार्टी के साथ क्या कोई मिलीभगत थी, कोई षड्यंत्र था, इसकी कोई छानबीन अभी तक नहीं हुई, लेकिन बयान आ गया कि फुलिशनेस थी और लापरवाही थी। कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, लेकिन जो टॉप ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको टच नहीं किया गया। अब मेरा यह कहना है कि करीमगंज की घटना पहली घटना नहीं है कि 1300 गाड़ियों में एक ही गाड़ी मिली कि जब इलेक्शन के पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब हुई तो एक खास गाड़ी में ही हो जाएगी ईवीएम। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के घटनाक्रम या इससे मिलती जुलती चीजें होती रही हैं। बिहार के पिछले चुनाव में हमने देखा कि रिटर्निंग जो ऑफिसर्स हैं उन पर आरोप लगे कि जीता कोई और था, घोषित कोई और हो गया। पोस्टल बैलेट के बारे में बहुत गंभीर आरोप बिहार से आए थे कि कितने कितने जो बैलेट है, बैलेट पेपर है, उनको इनवैलिड करा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी अपने देश में इलेक्शन कमीशन को लेकर पार्टियों में राजनीतिक सहमति जैसी कोई चीज नहीं बनी कि कैसे इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएं ताकि ये ज्यादा जवाबदेह हो सके, निष्पक्षता मेंटेन की जा सके। देखिए, इलेक्शन कमीशन पर पहली बार कोई सवाल नहीं उठे हैं, कांग्रेस रिजिम में भी कई बार उठते थे, लेकिन एक दौर आया जब टीएन शेषन इस देश में चुनाव आयोग में आए और उन्होंने पूरे देश में जनता का अपार विश्वास प्राप्त किया। लोगों को लगा कि इस आदमी ने इलेक्शन कमीशन को
वाकई एक ऐसी संस्था बना दिया है जो सही माने में स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है। जेम लिंगदो ने उत्तराधिकार को एक तरह से निर्वाह उसका किया। लेकिन आज अगर आप निर्वाचन आयोग पर एक रेफरेंडम करा दें पूरे देश में, तो नतीजा जो आएगा वो हैरान करने वाला होगा। मुझे नहीं लगता कि सत्ताधारी पार्टी के मेंबरान को छोड़कर, बल्कि नेताओं को छोड़कर, ज्यादा लोग मौजूदा निर्वाचन आयोग पर गहरी आस्था प्रकट करेंगे। दो दिन से मैं लगातार सुन रहा हूं कि विपक्ष का कोई बड़ा नेता निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए बगैर नहीं है, चुप। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आरजेडी। अब आप कहेंगे ये तो विपक्ष है, तो विपक्ष भी तो कह सकता है कि आप सत्ताधारी हैं जो बचाव कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। मैं एक बात बताऊं कि इस देश में कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन चुना जाता है, जो वहां के छात्र संघ का चुनाव कराता है। यह माना कि भारत जैसा बड़ा देश इलेक्शन कमीशन जनरल बॉडी से नहीं चुन सकता, यूनिवर्सिटी के बच्चे आपस में इलेक्शन कमीशन चुन लेते हैं जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर, लेकिन भारत में संभव नहीं है। लेकिन यह क्यों नहीं संभव है कि इलेक्शन कमीशन का चयन, इलेक्शन कमिश्नर्स का नियुक्ति सिर्फ भारत सरकार न करे, सिर्फ सत्ताधारी दल न करे? मैं सत्ताधारी दल इसलिए कह रहा हूं कि आर्टिकल 324 के तहत जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का राष्ट्रपति जी निकालते हैं, दरअसल वो सरकार की तरफ से फैसला होता है, यानी कैबिनेट, यानी प्रधानमंत्री। तो मेरा यह कहना है कि ऐसी स्थिति में जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी स्वतंत्रता, उनकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में तब तक रहेगी जब तक कोई टीएन शेषन जैसा आदमी ना हो या जेएम लिंगदो जैसा आदमी ना हो। ये तो अलग अलग कांग्रेस रिजिम में भी बहुत सारे लोगों पर सवाल उठे हैं। तो यकीनन जो सवाल आज मीडिया के जरिए विपक्ष उठा रहा है मौजूदा निर्वाचन आयोग पर, वो बेहद गंभीर है और ये डेमोक्रेसी की रक्षा का सवाल है। वैसे भी इस समय देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं बेहाल हैं। लोग मानते हैं कि संस्थाएं लुट रही हैं, उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि अभी आप देखिए, केवल असम की बात नहीं है, तमिलनाडु में छापे पड़ रहे हैं। और छापे किस पर पड़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो उस वक्त, इस वक्त जो सत्ताधारी अन्ना द्रमुक है और बीजेपी का जो अलायंस है उसको जो चुनौती दे रही है, उसके सबसे बड़े नेता एम के स्टालिन की बेटी और दामाद के घर छापे। अन्ना नगर से जो डीएमके के एमएलए हैं, बहुत ताकतवर और एम के स्टालिन के बहुत खास माने जाते हैं, मिस्टर एम के मोहन, उनके बेटे के ऊपर छापा। इसी तरह हमने और भी देखा, जब पहले कहीं चुनाव हुए तो कैसे छापेमारी केवल विपक्ष के लोगों पर होती थी। अभी मैंने बल्कि पूछा किसी से इलेक्शन कमीशन में जो रह चुके हैं सज्जन पहले, कि भाई देखिए इलेक्शन कमीशन को आप लोग नाराज, आप बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उसने तो असम के सेकंड नंबर के ताकतवर नेता हिमंता बिस्वा शर्मा पर कार्रवाई की है और उनको 48 घंटे के लिए रोक दिया है प्रचार करने से, तो इतना तो किया। तो पता यह चला कि चूंकि उन पर जो गंभीर आरोप थे, और हम सब जानते हैं कि कैसे महाजोत का एक उम्मीदवार, जिसके बारे में बोडो पीपल्स फ्रंट के नेता ने साफ कहा है कि कैसे मिस्टर शर्मा ने धमकाया था उन्हें, और चुनाव से ऐन पहले, मतदान से ऐन पहले वो उम्मीदवार वापस हो गया। उसने कहा कि मैं चुनाव मैदान में अब नहीं रहूंगा, नामांकन तो वापस वो कर नहीं सकता, लेकिन विपक्ष को उम्मीदवार विहीन जैसा बनाने का एक षड्यंत्र वहां रचा गया, गंभीर घटना, या भी जीतने का एक तरीका। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा पहले लोग फ्रिंज एलिमेंट पर आरोप लगाते थे जब वो चुनाव के दौरान कम्युनलाइज करते थे एटमॉस्फेयर, आज देश के टॉप लोग
क्या बोल रहे हैं, वो सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ाते हैं, धर्मनिरपेक्षता को ऐसा लगता है कि यूं पेंट करते हैं जैसे कोई गुनाह हो, और कम्युनलिज्म को वो महान बताते हैं। अभी मैं सुन रहा था एक बड़े नेता को देश के, वो ये कह रहे हैं कि असम को उनकी पार्टी आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, लेकिन विपक्ष मौलाना निर्भर बनाना चाहता है। क्या भाषा है, क्या ये धर्म का एक आड़ लेकर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है? कौन तय करेगा, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं तय करता है? पिछले 2019 के भी चुनाव में हम लोगों ने देखा बंगाल में क्या होता था, इलेक्शन के रैली में, रोड शो में रामलीला जैसा माहौल बनाया जाता था, राम कृष्ण सीता हनुमान जामुन ये बन करके लोग चलते थे जुलूस में, धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक रैलियों में क्या काम? तो दोस्तों मैं समझता हूं कि गंभीर चिंतन का विषय है इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के चयन की जो प्रक्रिया है वो राज्य विधान मंडलों से नाम आवे, उसमें मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता और उस राज्य के चीफ जस्टिस वो रिकमेंड करें और कंसेंसस से नाम उभर कर आवे। मान लीजिए 24-25 नाम आ जाते हैं, उन 24-25 नामों के पैनल से क्यों नहीं भारत के माननीय प्रधानमंत्री, भारत के माननीय विपक्ष के नेता और भारत के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर और फिर चयन करें उन 25 नामों में से, और उसमें से 3 या 4 जो भी पैनल बनाना हो उनको वो माननीय राष्ट्रपति के यहां भेजें और उसमें से तय हो। एक ये एक सुझाव है, इस पर बहुत सारे सुझाव आ सकते हैं, लेकिन बहस तो हो कि कैसे इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह, जिम्मेदार, निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के रूप में फंक्शन करने की प्रक्रिया को इंश्योर किया जाए। आज बस इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।